ये इलेक्ट्रिक पोल भी मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं मिनट दर मिनट पागल होता जा रहा हूँ। तेरा जियान को तो देखो, वो बहुत ही खराब मूड में है। मुझे लगता है जियान बहुत गुस्से में है। मेरी बात मानो, हम सबको इस वक्त घर जाना चाहिए। चलो चलते हैं। बाय शिज़ुका, बाद में मिलते हैं। आज ही मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मुझे किसी से लड़ना है। कोई तो सामने आए। ये गलत है क्या? हम सड़क पर आजादी से घूम भी नहीं सकते। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ डोरेमोन। ओह, ये तुम हो कोरो। ये हमेशा बंधा रहता है और इसे कोई भी घुमाने नहीं ले जाता। बेचारा कोरो। मुझे समझ आ गया। चलो हम जियान को यहाँ लड़ने के लिए बुलाते हैं। पर किसके साथ? ऐसा कोई नहीं जो जियान को हरा सके। हम उसे ढूंढेंगे। कोई तो जरूर होगा जो जियान से लड़ सके, जो उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो। हम उनकी लड़ाई कराएंगे और इस तरह उनकी सारी इरिटेबल एनर्जी खत्म हो जाएगी। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इरिटेबल एनर्जी डिटेक्टर, हम इसे यूज करके उसे ढूंढ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंगली जानवर ढूंढ रहे हैं। शायद जियान और वो एक जैसे ही हैं। ओह, हमें रिएक्शन मिल रहा है। आओ, शायद यहाँ पास में कोई है। इसने तो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया। हाँ, नहीं। बाल बाल बचे। डोरेमोन, कुछ ऐसा करो कि ये जियान की तरफ इशारा ना करे। मैं फ्रीक्वेंसी बदल देता हूँ, शायद फिर काम हो जाए। शायद अब हो गया। चलो पड़ोस में चलकर देखते हैं। अब हम जियान से तो नहीं मिलेंगे ना? हाँ, चलो चले। देखो नोबिता। क्या देखूं? उस तरफ। हम पास में ही हैं। बस कर बेटा, बस करो, चुप हो जाओ। कितनी ताकत और इरेटेबल एनर्जी है। शायद ही बड़ा होकर जियान जैसा ही बनेगा, है ना? पर आज इसका कोई काम नहीं है। शायद इस बार इसका इशारा गलत ना हो। चलो चलकर देखते हैं। hey, तुम दोनों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अजीब बच्चे हैं, पता नहीं क्यों मुझसे डरकर भाग गए। वो जियान की तो हड्डी पसली एक कर सकता है। शायद वो नहीं करेगा। हाँ, ये दोबारा इशारा कर रहा है। लगता है इसके पास वो एनर्जी है। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो इस बार। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम रुको तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ आज। रुको, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो। तुम समझते क्या हो? मैं आपको रुको, मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। तुमसे एक काम का वो भी नहीं हुआ। तुमसे कोई काम नहीं होता। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियान के मुकाबले का कोई आदमी दिखाई नहीं देता।
मौसम कितना अच्छा है और हवा भी कितनी अच्छी चल रही है, मुझे तो नींद आ रही है। तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कुछ नहीं। क्या लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, उससे ताकतवर और कोई नहीं है। क्या कहा, कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? जरा उसे मेरे सामने तो लेकर आओ। नोबिता, मुझे लगता है कि ये जियान से अच्छी तरह मुकाबला कर पाएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, ये काफी ताकतवर है। जियान! वो यहाँ नहीं है, अगर तुम उसे कहीं देखो तो उससे कहना कि घर आ जाए। क्या तुम मेरा इतना काम कर दोगे? मैंने जियान को वहाँ बैठे हुए देखा था। जियान, मैंने थोड़ी देर पहले उसे माली के कुत्ते को परेशान करते हुए देखा था। जियान, मैंने उसे वहाँ देखा था। चलो वहाँ पर भी देख लेते हैं। वो जियान, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। जब हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, तब तो वो हमारे आसपास ही होता है। ए, मुझे और कितनी दूर चलना होगा? क्या जियान सच में यहीं कहीं है? हाँ, वो है, वो है। तुम जल्दी ही उससे मिलोगे। हाँ, जल्दी जियान और तुम्हारा आमना सामना होगा। ए, तुम दोनों, क्या तुम सिर्फ कहानी तो नहीं बना रहे हो ना? जो खुद को बहुत ताकतवर कहलाते फिरते हो, आज तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लगता है इसे सचमुच में लड़ना आता है। आज तो मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा, फिर तुम्हें जरूर हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। तुम्हारा पिटने का वक्त आ गया बच्चे। आज तुम पिटोगे। ये लो, ये लो बच्चू, तुम बहुत जोर मचा रहे थे ना। ये लो, 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 ये लो। मैं छोड़ूंगा, आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो, ये लो, नहीं छोड़ूंगा। थक गया मैं। तुम भी कल इसे कंटिन्यू करे क्या? कंटिन्यू नहीं, हाँ बहुत पिट गया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों बस बेवजह लड़ रहे हैं? हाँ है? बाय बाय बाय। इतनी अच्छी लड़ाई के बाद बड़ा मजा आ रहा है, शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। चलो अब चलता हूँ। ऐसा
लगता है दोनों ने अपनी इरिटेशन दूर कर ली है। हाँ, ये हमारी मेहनत का फल है। थैंक यू डोरेमोन, तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता नोबिता। उस दिन के बाद से जियान ज्यादा लड़ाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक, वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, जियान ने मुझे भी नहीं मारा। सारा थैंक्स डोरेमोन को। थैंक यू डोरेमोन। थैंक यू डोरेमोन। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो देखो जियान। हाय। अरे जियान, क्या तुम उससे फिर लड़ोगे? हाँ, ये आदत की तरह है, मैं उससे दिन में एक बार तो लड़ूंगा ही। बाद में मिलते हैं। बाय। गुड बाय जियान। ओ तितली। मेरी उंगली पर आओ तितली। वाह, तुम सब धीरे बोलो। ये कितनी प्यारी है। डोरेमोन, नोबिता। क्या बात है? क्या कुछ हुआ? क्या हुआ? क्या उस लड़के ने तुम्हें बहुत मारा? वो जो मेरे साथ लड़ता था वो चला गया। तुम दोनों चुप रहो, जाओ और मेरे लिए कोई नया दुश्मन ढूंढ के लाओ, वरना फिर नोबिता। रुक जाओ नोबिता, डरो मत, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? तुम लोग कहीं बचोगे? रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। मॉम, क्या बात है? मॉम, ये होराइजन कौन सा जोन है? कौन सा जोन? तुम क्या कह रहे हो नोबिता? देखो, ये यहाँ लिखा है। कितनी शर्म की बात है नोबिता, तुम कौन सी क्लास में आ गए हो? मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या नहीं? मैंने तो सिर्फ एक आंसर पूछा है जो मुझे पता नहीं। क्या बात है? उसे इस शब्द का मतलब भी नहीं पता, कितनी अजीब बात है। सुनिए जी, ये कोई हंसने की बात नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या था, मैंने कभी होराइजन नहीं देखा। होराइजन वो लाइन है जहाँ आसमान और धरती मिलते हैं। तुम यहाँ होराइजन नहीं देख सकते, यहाँ चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं। जापान बहुत छोटा देश है, ऐसे देश में रहने से लोग नैरो माइंडेड हो जाते हैं। ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे, अभी तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम होराइजन निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैंने बस ऐसे ही पूछा था। मैं उसे निकाल नहीं सकता पर बना सकता हूँ। सच्ची? ये है होराइजन टेप। जब तुम बेकार जगह पर रहकर थक जाओ तो इसे इस्तेमाल करना। ये देखो, अब हम इस तरफ होराइजन बनाएंगे।
काम हो गया। दीवार गायब हो गई और मुझे लाइन दिखाई दे रही है। ये होराइजन है, आसमान और धरती के बीच का बॉर्डर। क्या मैं भी बाहर आऊं? हाँ बिल्कुल। डोरेमोन, होराइजन के उस तरफ क्या है? कुछ नहीं, तुम जितनी दूर जाओगे होराइजन बढ़ता जाएगा। आइडिया, मैं अपने दोस्तों को भी ले आता हूँ। क्या कहा, तुम सच में होराइजन देख सकते हो? मैं उसे जल्दी से देखना चाहती हूँ। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम पिटोगे। मेरा यकीन करो। ये मैंने कभी ऐसी चीज पहले नहीं देखी है। क्या बात है, अब खिड़की टूट जाने का कोई डर नहीं है। ये लो। ये देखो, अब हमें कांच की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सच है। अब मैं बिना किसी की परवाह किए गा सकता हूँ। कहीं दूर एक जहाँ, जहाँ मिले धरती आसमान। कहीं दूर है जहाँ मिले धरती आसमान। जहाँ है जहाँ चले हम मस्ताने वहाँ। कहीं दूर जहाँ मिले धरती आसमान। आज तो इतना मजा आया कि वक्त का पता ही नहीं चला। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय नोबिता। क्या तुम कुछ भूल गई? डोरेमोन, क्या मुझे वो थोड़ी सी टेप मिलेगी? हाँ जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिजुका। ये लो। थैंक यू, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। क्या आप इसे हटा दें? डोरेमोन रुको, तुम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। पर ऐसा क्यों? अगर मॉम डांटेंगी तो मैं आसानी से भाग सकता हूँ। क्या तुमने कोई फिर से गलत काम किया है नोबिता, बताओ। नहीं, तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो। नोबिता भागो। नोबिता रुको। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने अभी तक तुम्हारा साथ दिया है, पर मैं भी क्यों भागूं? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है नोबिता। ओ मैं थक गई। अगर हम ज्यादा दूर गए तो हम घर नहीं जा पाएंगे। पर क्यों नहीं? अगर हम दिशा भूल गए तो हम अपना घर भी भूल जाएंगे। इस दुनिया में सूरज, तारे या कोई निशानी भी नहीं है। शायद फिर यही अच्छा होगा कि हम घर जाके मॉम से माफी मांग लें। मुझे लगा कि हमारा घर यही कहीं है। ये ठीक नहीं हुआ, शायद टेप अपनी जगह से उतर गई है। क्या? फिर हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। नहीं, हम क्या करें? अब हम यहीं पर फंस गए। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब
तुम्हारी गलती है, तुम वहाँ से भागे थे। डोरेमोन होराइजन टेप तुम्हारा गैजेट है, मेरा नहीं, समझे? क्या कहा तुमने? मैंने सच कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती है डोरेमोन, तुम्हारी गलती है ये। होराइजन पर लाइट, पर ये रोशनी किस चीज की है? चलो हम दोनों वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ। मैं इतनी बड़ी जगह